भाई ये अपन वेक्टर के अंदर अपना क्या हो चुका था, एक्सआई फोर लेवल वन हो गया था नहीं हुआ? एक्सआई फोर लेवल वन भी नहीं, वन हो गया क्यों, क्या रह गया था? अच्छा चलिए बात कर लेते हैं। नहीं मेरे हिसाब से पूरा हो गया था, नहीं हुआ था? कौन सा क्वेश्चन बाकी था? 23 से। अच्छा ये वाला पेज ही बाकी था पूरा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 23, 24 हो गया ना? हाँ भाई 24 के अंदर ये देख लेना, ये 3p स्क्वायर और डब्बे में रह गए UVW, सही है, और माइनस में PQ आ गया बाहर और डब्बे में हो गया UVW, सही है, माइनस में 2Q स्क्वायर और डब्बे में हो गया WUV, बराबर है, UVW ही होता है, सही है भाई, और ये है VWU ही होता है वो सब, UVW। हाँ सब, तो ये सब बढ़ गया, फाइनली रह गया 3P स्क्वायर माइनस PQ, ठीक है, माइनस का 2Q स्क्वायर बराबर 0, है ना भाई, ये प्लस का हो जाएगा WVU, ये वाला प्लस का हो जाएगा, सही है। हाँ जी साहब, अब ये क्रैक करने की कोशिश करी थी क्या, है ना भाई, करा था क्या? ये मेरा ज्यादा कहला क्रैक नहीं होता, जितनी मेरी याददाश्त ये क्रैक नहीं होता, सिर्फ P इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू 0 ही सेटिस्फाई करता है इसे, है ना, बाकी किसी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता। अब ये कैसे पता करते हैं कि आगे सॉल्व नहीं हो सकता, वो बता देता हूं। एक P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0 तो सॉल्व कर ही रहा है, वो तो देखते पता चलता है। अगर मान लेते हैं क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो मैं ऐसे लिखता हूं 3 times P/Q का होल स्क्वायर प्लस में माइनस में Q/P, है ना, क्यू का स्क्वायर लगाया तो P/Q, ठीक है, प्लस में 2 = 0, इसका मतलब ये हो जाएगा 3t² - t + 2, इसे ट्राई कर लीजिएगा, इसका D नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्रैक नहीं होगा, नहीं आया समझ में? हाँ तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि और कोई आंसर नहीं हो सकता। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26, 27, 28, 29 नहीं हुआ। अच्छा सर 29 नहीं हुआ। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर और AD वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर और आगे क्या दे रखा है, बैड इज अक्यूट एंगल, BAD ये वाला एक्यूट एंगल। अच्छा और आगे क्या बोल रहा है, If R vector is a vector that coincides with the altitude directed from B vector to the side AB, altitude डाला है किसी ने, पीछे सब altitude डल गया। अच्छा अगर ये altitude डल गया तो यह 90 degree create हो गया B से AD की ओर, तो this is R vector, है ना, AB सही लिखा है। अच्छा और P vector यूं जा रहा है, तो अपने को बताइए ये P vector का कुछ part है, तो इसको lambda P vector बोल दूं, तो ट्रायंगल लॉ से इसका सम प्लस ना इन दोनों का सम बराबर इसका सम, तो आर वेक्टर प्लस में क्यू वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा पी वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हो गया माइनस क्यू प्लस लैम्डा पी वेक्टर, एक बात है ना। अब ये लैम्डा पी वेक्टर पूरा पूरा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रोजेक्शन है इस पी वेक्टर का, सॉरी क्यू वेक्टर का पी वेक्टर पे, तो लैम्डा पी जो है ना दैट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर ऑन पी वेक्टर, सही है, क्यू का पी वेक्टर पर प्रोजेक्शन Q.P, और ये वेक्टर की फॉर्म में लाना है मुझे Q.P अपॉन मॉड पी का स्क्वायर इंटू पी कैप नहीं पी वेक्टर, सही है, तो मेरे तरह से आंसर हो जाएगा माइनस क्यू प्लस लैम्डा पी की जगह पे ये सब कुछ Q.P अपॉन में मॉड पी का स्क्वायर की जगह P.P इंटू में पी वेक्टर, क्वेश्चन खत्म, डी आंसर हो गया, हो गया। हाँ जी साहब क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 अब तो हो जाएगा, है ना भाई 32, इसका 32 किया है या नहीं किया, किया है,
हाँ जी साहब, अब मैं थोड़ा अपनी पसंद से चीज़ें उठा रहा हूँ, है ना भाई, अपनी पसंद से चीज़ें उठा लेते हैं अपन। अब ये यहाँ से आगे मेरा ही रोल है क्योंकि मेरे को पता है। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, एक्सरसाइज 4 लेवल 2 हो गया। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 21 हुआ या नहीं हुआ? हाँ, जिनसे नहीं हुआ हाथ खड़ा करते ना भैया, मैं मेरे को एक मिनट नहीं लगेगा। मैंने कहा ना मेरा रोल है, आप यूं मत सोचना आपका रोल है। आपसे नहीं हुआ आप मेरे से करवा लेना। कॉपी लेकिन बुरी बननी चाहिए आपकी, एकदम डनाडन होनी चाहिए एकदम ये। हाँ, मेरे को मेहनत में कोई शर्म नहीं है, मैंने आपका वो कटा है तो इससे इससे मैं दे दूंगा मैं आपका, ठीक है। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं हुआ। देखो साहब, ये कह रहा है कि 22 के अंदर PQRS करके कोई शायद पैरेललोग्राम होगा। PQRS अगर एक पैरेललोग्राम है, बस इसमें क्या है, बहुत सावधानी से कम 2 से 3 घंटा मैंने बोला ना आपको देना पड़ेगा। देखो, लगातार देना पड़ेगा, 2 से 3 घंटा दोगे तब आपसे मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आपको लगातार बैठने के बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन फोकस धीरे धीरे जमने लगता है। आपको नहीं पता होता ये, आप में से कई लोग इसको गलत समझ रहे होते हैं। लगातार बैठे रहो, आप बैठे ही रहो, हिलो ही मत, अड़ जाओ वहां से। आप फोकस बनाने की कोशिश करोगे बार बार, अरे आधा घंटा तो बच्चे को यही नहीं पढ़ने वाला, क्वेश्चन को 10 बार पढ़ता है ना, तब जाके उसको पता चलता है कि पैरेललोग्राम था कोई इसमें। उसका फोकस ही नहीं बैठता, उसके हाथ पैर ही नहीं जूझते हैं, मतलब है ना। तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब जिसमें PR वेक्टर, P कहां भाई, ये रहा PR वेक्टर, दिख गया। PR वेक्टर इज अ डायगोनल। मैं थोड़ा नाम वाम रख लेता हूं इसका, A वेक्टर नाम रख लूं, और पैरेललोग्राम है तो इसे B वेक्टर नाम रख लेता हूं। तो मेरे पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर की वैल्यू, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने दे रखा है 3 i कैप प्लस में j कैप माइनस का 2 k कैप, सही है। अच्छा, और PT वेक्टर, PT क्या है, PT कहां से घुस गया इसमें, डायगोनल होगा, PT नाम की कोई चीज नहीं है भैया। आपके भी PT लिखा है क्या? ये बड़ा हो गया नहीं, PT नहीं है, SQ है, सॉरी। हाँ, SQ वेक्टर के नाम पे दे रखा है। SQ वेक्टर मतलब ये A माइनस B, ठीक है, और ये दे रखा है I कैप माइनस का 3J कैप माइनस का 4K कैप, बराबर है ना। अब ये दो चीजें देख करके आप में से कई लोग A वेक्टर बता सकते हैं, B वेक्टर भी निकाल सकते हैं, सॉल्व करके A और B आ जाएगा। A और B आने का मतलब ये कि आपके दोनों वेक्टर आ गए, आ जाएंगे। अच्छा, मान लो जैसे A वेक्टर आ गया, सही है, तो आपका ये वाला वेक्टर आ गया साहब, कैसे आ गया, ये वेक्टर प्लस QR वेक्टर बराबर A प्लस B, तो आपके QR भी आ गया, नहीं है, आपको सब मिल गया एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डायगोनल्स ऑफ द PQRS एंड PT वेक्टर। एक कोई वेक्टर दे रखा है, PT वेक्टर करके एक और वेक्टर दे रखा है, तो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय PT PQ एंड PS। PT दे रखा है, PT क्वेश्चन में दे रखा है, PQ बात हो, PQ मतलब A वेक्टर दे दोगे आप सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके PQ की जगह आपको A वेक्टर लगाना है, लगा लोगे, नहीं है। और तीसरा वेक्टर कौन है, PS कहां भाई, PS B वेक्टर है, क्या आप B वेक्टर भर सकते हो? और फिर वही डिटरमाइंट बनाना है, PT सरकार ने दिया है, A वेक्टर आप सॉल्व करके लाओगे, PT सरकार का A आप सॉल्व करके B आप सॉल्व करके रख लोगे, आंसर ले आना याद करके, ठीक है। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, ये सुनो आप, ये के लेवल का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूँ ये समझने के लिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा मुश्किल जगह पे चलना पड़ेगा। कंसीडर द सेट ऑफ द 8 वेक्टर्स, V वेक्टर इज इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ABC यहाँ पे -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ABC -1 और 1 स्पेसिफिकली ये दो नंबर ही है, नहीं समझ में आया है ना भाई। अब मैं आपको जरा से कुछ समझाता हूँ, जैसे ये आप में से कई लोगों के सर के ऊपर से जाने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा मैं, आपको दिखाता हूँ। जैसे ABC का 1, -1 कर्ली ब्रैकेट होने का क्या मतलब है, ABC स्पेसिफिकली इन्हीं में से उठाए गए हैं, जैसे 1 उठा लिया, इसको लेके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जब मैं 1 उठाता हूँ तो आई कैप प्लस जे कैप, मैं सीधा उठा लू, 1 उठाता हूँ तो 1 1 1 अभी आया, नहीं आया, एक वेक्टर ही बन गया, ठीक है। अच्छा, एक वेक्टर जैसे मैंने -1 सारे -1 उठा लिए, एक वेक्टर ही बन गया, एक वेक्टर ही बन सकता है 1 1 -1, एक बन सकता है -1 1 1, सोचना, एक वेक्टर बन सकता है 1 -1 1, सोच लिया, एक बन सकता है 1 -1 -1, सोचना, एक बन सकता है -1 -1 1, सोचने में आ रहा है। अच्छा, और इसके सिवा तीनों -1 में बना चुका हूं, नहीं है,
और कोई बच गया? माइनस वन, वन और माइनस वन. अच्छा माइनस वन, वन और माइनस वन. और कोई बचा? देखो जरा, अगर ये आठ हो गए गिल्लो तो सही है, अपन आठ से ज्यादा नहीं बन सकते. नहीं है? अरे दो को लेकर के आठ बन गए क्या? आठ बन गए तो बस बराबर है. नौ बन गए क्या? ये आठ है तो बस इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, है ना. ये आठ बन गए तो अपने सही, अपनी इतनी दूर तक सही आ गए. इसका अंदर और पीछा करना अपना टाइम वेस्ट करना है. अब मैं आपको ये बताता हूँ ये कौन है. जब आप इसे गहराई में जाके सर्च करोगे ना कि ये कौन है, तब आपको एक पता चलेगा कि बेसिकली ये क्यूबॉइड है, राइट है. और उल्टा मैं ढंग से बोलो तो ये क्यूब के, ये क्यूब के वर्टिसेस हैं साहब. अगर ये क्यूब के वर्टिसेस हैं तो हमारा ओरिजिन इस समय पर अंदर है, बिल्कुल बीच में, सेंटर पे इसके, ठीक है ना. ये एक तरह से ऐसा है जैसे ये कार्टन हो, ठीक है ना. कार्टन है, कार्टन समझते ना, वो उठाने, सामान उठाने वाला है कि नहीं. उसके बिल्कुल बीच में जाए ओरिजिन है, सीधा निकला, इधर निकला और ऊपर निकला. वो जो अपना ऑक्टेट जो था ना, वो बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, ठीक है. तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वन 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 है. ये वाला पॉइंट जो है वो वन 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 है. नहीं आया समझ में? अच्छा अभी ये कैसे मैं आपको समझाऊँ, इसका तो समझने का कोई तरीका हो नहीं सकता, कार्टन में ला नहीं सकता, ठीक है. और वहाँ जाएंगे तो पता नहीं पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है. ये कुर्सी किस दिन काम आएगी, है ना. कुछ तो खाली बैठी रहती है, कुछ तो करे, है ना. यहाँ है साहब अपना ओरिजिन, ठीक है. हाँ भाई ये यहाँ पे अपना ओरिजिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. हाँ 15-20 बच्चों से अपने को असर नहीं, बाकी को दिख रहे हैं ना. हाँ इधर दिमाग लगाओ, यहाँ पे अपना ओरिजिन है, दिख गया. अगर अपना ओरिजिन यह है ना, तो ये ओरिजिन है तो इससे एक जाकर के आगे जाकर के यहाँ पर, है ना. जैसे मैं अगर भाई तो इससे एक आगे जाता हूँ तो मैं वाई एक्सिस पे एक मूव हुआ, ठीक है. तो ये 010 है, वाई एक्सिस में मूव हुआ ना. अगर मैं इधर मूव हो जाता हूँ तो एक्स एक्सिस मूव हुआ तो 100. अगर मैं इधर मूव हो जाता हूँ ना, इधर तो मतलब ही नहीं है, ऊपर मूव होता हूँ तो 001. यहाँ तक पकड़ में आता है आपको? अब ये 001 है ना. अब ये जिस दिन इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है, तो ओरिजिन में यहाँ है तो इस ओरिजिन से सीधा 1, पहले मैं इधर जाऊंगा 1, फिर 1, फिर ऊपर आऊंगा तो 111 आ गया. नहीं आया? देखो अब मैं इसी से वापिस इधर चला, 1 फिर 1 फिर इधर वाला 1, ये तो अलग हो गया ना. दोबारा सोचो जरा, इधर वाला देखो, अब दोबारा सोचना, ठीक है. ये वाई एक्सेस वाला 1 है, ये वाई एक्सेस वाला 1. अब मैं इधर पहुंचना चाहता हूँ, लेग से मैं इधर पहुंचना चाहता हूँ, तो पहले किधर जाऊंगा? 0 से 1, एक्स एक्सेस वाला 1, फिर वाई एक्सेस वाला 1, फिर जेड एक्सेस. ये 111 है, अभी भी नहीं आया. ये अब मैं जिस दिन इधर से इधर जाऊंगा, तो जैसे मैं इस तरफ मुड़ा, मैं वाई एक्सेस नहीं, मैं एक्स एक्सेस का नेगेटिव चला गया, माइनस वन फिर 1 फिर 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया -111. अच्छा मैं जिस दिन इससे आगे चला, ना एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरे को इधर आना है ना, ये वाला पॉइंट का ऑर्डिनेट. तो पहले तो मैं इधर जाऊंगा 1, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, वाई एक्सिस का नेगेटिव, -1 और 1 आया, तो 1 -1 1, ऐसे ये सारे कोऑर्डिनेट हैं. नहीं आया, है ना. हालांकि मेरे को पता है कुछ मुश्किल रहा गया, अब मैं इधर आ जाता हूँ, है ना. इधर भी 2-4 थोड़ा और प्रमाण हो जाएगा वैसे तो. हालांकि ये बहुत दिमाग वाले लोग हैं, ठीक है, सब समझ चुके हैं, लेकिन एक बार और इनके लिए भी ट्राई मार लेते हैं, ठीक है. न्याय और रीजन नहीं समझ में आया. अगर इस जगह का ओरिजिन है तो अपने को क्या करना है, पहले इधर बना दो. अब कोई ये कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो मेरे को ये कोऑर्डिनेट पता करना है, तो मेरे को ओरिजिन से पहले पीछे आऊं, अरे ओरिजिन से पीछे आऊंगा ना, या इधर जाऊं या यहां आऊं, कैसे भी आ सकता हूं ना. तो पहले तो मैं ओरिजिन से इधर चला एक्स एक्सिस में, माइनस एक्स एक्सिस -1, फिर वाई एक्सिस में भी नेगेटिव चला -1, और फिर जेड एक्सिस में ऊपर चला, तो ये -1 -1 1. नहीं आया? अब जिस दिन मैं नीचे जाऊंगा, तो देखो एक्स एक्सिस से जिस दिन नीचे गया, पहले तो इधर जाऊं -1, इधर 1, फिर नीचे गया तो -1 जेड वाला, तो और फिर आगे गया तो वाई वाला पॉजिटिव, ठीक है. तो 1 कॉर्नर वाला -1 और 1, तो इसका इस कोऑर्डिनेट का जवाब हो जाएगा 1 -1 1 1 -1 1. देखो x एक्सिस का 1, x एक्सिस का 1 देख लिया आपने, फिर z एक्सिस का नीचे -1,
नीचे जाता हूं तो नीचे जाऊंगा तो जेड एक्सिस, नहीं आया समझ में? तो वन पहले तो एक्स एक्सिस वन, फिर जेड एक्सिस के लिए नीचे गया तो जेड एक्सिस का माइनस वन, सोच लिया, और फिर वाई एक्सिस का वन, नहीं आया तो वन वन, हाँ अभी आया ना दिमाग के अंदर, ऐसे आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का काम बनेगा। आगे बात समझ में? अब अपन आगे चलते हैं, रेडी? यहां के बाद अब इस भयानक चर्चा को समाप्त करता हूं, इस पे चलो। अब ये अपना ओरिजिन, यहां से समझ में आया आपको, है ना? लोगों ने जिन्होंने पहली बार ये पूरा पेपर देखा होगा और बनाया होगा, सोचो कितनी जल्दी ये बात समझी होगी कि ए बी सी और ए बी सी माइनस वन कॉमा वन का मतलब ये होता है, ऐसा सोचना ही अपने आप में कितना पराक्रम रहा होगा, नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता इस पूरी कहानी में क्यूबॉइड है, यही सोचना कितनी बड़ी बात है कि यार इस पूरी कहानी में क्यूबॉइड कहां से घुस गया, कहां लिख दिया इसने क्यूबॉइड, तो वेक्टर वेक्टर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो क्यूबॉइड को देने का तरीका, और आप में से सोचो जो लोग इस पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं वो, और जो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं जिनका ये पूरा होता है, उनका दिमाग का लेवल कितना बढ़िया है, कोई एक भी क्वेश्चन मैच नहीं है, एक भी क्वेश्चन शीट में इससे मैच करता हुआ नहीं है, कोई भी एक भी क्वेश्चन इस पेपर में इससे मैच करता हुआ नहीं, तब भी वो बंदा इस लेवल पर जाके सोच रहा है, ये लेवल इसे कहते हैं ना कल्ट है, ठीक है ना? एनीवे अभी ये आटो पॉइंट, इस सब के पूरी कहानी के कोऑर्डिनेट। अच्छा अगर ये पूरी कहानी के कोऑर्डिनेट हैं तो क्वेश्चन वाले ने मांगा क्या था, ये तो बता दो क्या चाहता है, ये क्या मांग क्या रहा है, टूपी क्या है, टूपी या पी, क्या क्वेश्चन क्या है ये तो बताओ। क्वेश्चन कह रहा है थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन बी चूजन फ्रॉम वी, इस पूरे सेट से तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर चुनने, फिर मुश्किल आ गई आपके लिए, रेडी? लेकिन सोचना अगर आप सोच पाओ तो, है ना? ये अब अपन इनका नाम रखना चालू करते हैं, ये ओरिजिन, ठीक है ना? अपन इसका नाम रख लेते हैं ए, दिस इज बी, ये वाला पॉइंट इज सी, ये वाला पॉइंट इज डी, और इधर वाला ई, और उधर वाला एफ, और इधर वाला जी, सही है भाई? नहीं है, ठीक है? अब इनमें से कुछ ओए, ओबी, ओसी, ओडी हैं, जैसे मैं बताता हूं, अगर किसी ने कहा ओजी क्या है तो ओजी है 111, नहीं है, आप सोचोगे तो ओजी इज 111, सही है ना भाई? एक्स एक्सिस का वन, सोच लिया, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का वन और वन, एक्स एक्सिस के वन आया यहां पहुंचा, वाई एक्सिस का वन पे गया यहां पहुंच गया, और फिर सॉरी एक्स एक्सिस, फिर जेड एक्सिस का वन, फिर वाई एक्सिस का वन, नहीं है, तो मैं ऐसे वन 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 पहुंचाऊं, तो एक का नाम ओजी है, इसी तरह कहीं किसी का नाम ओए, ओबी, ओसी, ओडी, तो पहले मैं नाम लिख देता हूं, ओए, ओबी, ओसी, ओडी, ओई, ओएफ और ओजी, सही भाई? ओए, ओबी, ओसी, ओडी, ओई, ओएफ, ओजी, और कोई बच गया क्या? एक और बच गया भाई इस पूरी कहानी में, ये बच गया, इसका नाम कुछ रख लें एच, इसका नाम ओ एच वैक्टर, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में आठ वेक्टर हैं, सही है? इनमें से कोई तीन का सेट पकड़ना है, इनमें से कोई तीन का सेट पकड़ना है जो नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, नहीं समझ में आया? तीन का सेट आपको पकड़ना है और तीनों नॉन कोप्लेनर होने चाहिए, यही है ना क्वेश्चन? तीनों नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। अब मैं दिखाता हूं कैसे आकर का लोचा कहां होता है। मान लो मैं ओ से जी पे गया, ठीक है, और हाथों हाथ मैंने जो दूसरा सेट पकड़ा वो था ओ एच, तो ओजी और ओएच एक प्लेन में आ गए, नहीं आया? अब अगर मैंने कोई तीसरा वेक्टर भी इस तरह चुन लिया जो इन्हीं के प्लेन में आ गया, ओजी और ओएच तो एक ही प्लेन में चल रहे हैं ना, अगर तीसरा भी गलती से इस पूरे प्लेन में आ गया तो तीनों कोप्लेनर हो जाएंगे, नहीं आया समझ में? तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इस पूरी कहानी को कैसे ले रहा हूं, मैंने लिया रेंडमली चुनता तो आठ में से किन्हीं तीन को चुनने के तरीके थे 8C3 माइनस, वो सारे के सारे जो एक ही प्लेन में आ सकते हैं उनको हटा रहा हूं, ठीक है ना? एक प्लेन में आने वाले लोग दिखाता हूं, एक प्लेन में आने वाली पॉसिबिलिटीज हैं ओजी ओएच का सेट, पहला पेयर, ये एक पेयर दिखा रहा हूं, पेयर ओजी और ओएच, अगला पेयर सोच रहे हैं अपन लोग ओजी और ओएच के बाद ओसी ओडी, ओसी ओडी, अगला ओए और
नहीं, ओए ओ भी एक प्लेन में नहीं है, ओए ओई, ओए और ओई एक प्लेन में होगा, और कौन बच गया, ओबी और ओई और ओएफ। ये अपने आप में चार ऐसे सेट हैं जिनके साथ अगर तीसरा और मिल जावे तो 100% तीनों को प्लेनर हो जाएंगे, नहीं है? अब जैसे ही मतलब मैं इनमें से कोई भी दो को उठाता हूं, जैसे ही मैं इनमें से कोई भी एक पेयर उठाता हूं, नहीं है? इन चार में से कोई भी एक पेयर उठाता हूं तो उसका उठाने का तरीका 4C1। मान लो मैंने 4C1 में से एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने उठा लिया ओजी और ओएच का सेट, ठीक है ना भाई, चार में से एक उठाया ओजी और ओएच का सेट, ठीक है ना, और इसके बाद बचे हुए छह में से, क्योंकि ओजी और ओएच का उठाने के बाद आठ में से दो तो उठ गए, कितने रह गए, छह। अब छह में से मेरे को कोई एक इस तरह से उठाना है जो प्लेन में आ जाए, तो आपको यहां से ही हटाना पड़ेगा। ये छठा कौन है, बचे छह में से कोई एक जो है वही प्लेन में है इनके, बाकी सब नहीं है प्लेन में, छह में से एक ही जना है जो प्लेन में है। देखो साहब, इन ओजी और ओएच के प्लेन में कौन हो सकता है, ओजी और ओएच के प्लेन में हो सकता है कौन, डीएफ नहीं, यो वाले प्लेन के अंदर कौन हो सकता है? आपने जब ऐसे प्लेन में लिया तो एक और जना है जो इस पूरी कहानी के प्लेन में, बच्चे हुए छह में से एक ही है बस वो। अब देखो साहब कौन कौन से हो सकते हैं वो दिखा देता हूं, ओजी और ओएच के साथ, क्या ओए, ओजी और ओए के, ओजी और ओएच के प्लेन में ओए है, नहीं है, हटाओ, हटा। क्या ओडी है, नहीं है, हटाओ। क्या ओबी है, हो सकता है, हो सकता है, नहीं आया समझ में, अरे ये बात समझ में आई, ये हो सकता है। अभी दोबारा से दिमाग लगा रहे हैं बच्चे, कैसे कैसे सोच लिया आपने दिमाग हवा में, ये हाँ ये, अब इसमें आ जाओ, अपना ओजी का है, ओजी हो रहा उस कॉर्नर में, और ओएच का है इस कॉर्नर में, ठीक है ना भाई, एक ये वाला इस प्लेन में आ सकता है, ऐसे प्लेन चलना चालू हो गया है, राइट है ना भाई। अब छह में से कोई भी एक जना होगा ना, क्योंकि तीन उठेंगे, छह में से कोई एक ही उठेगा, वैसे तो देखा था क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, छह में से कोई एक उठेगा, या तो ये उठेगा तो एक प्लेन में पड़ जाएगा ओजी और ओएच के, या वो वाला कॉर्नर उठ जाए तो भी एक प्लेन में पड़ जाएगा, नहीं समझ में आया, लेकिन उठेगा छह में से कोई एक, तो आपने छह में से कोई भी एक उठाया उसका तरीका 6C1, और यही आपका क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी एक उठेगा, क्योंकि दो तो उठा ही नहीं सकते, अरे दो तो उठा ही नहीं सकते, ये दोनों तो एक साथ उठा नहीं सकते, तो या तो ये उठेगा ये उठेगा, दोनों में से कोई भी एक उठ गया तो छह में से कोई भी एक उठा तो आपके लिए खत्म हो जाएगा खेल। अब थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा और इसमें थोड़ी मेहनत की जरूरत है, राइट है, अच्छा पहले एक मिनट आंसर सोचूं, 8C3 कितना होता है, कितना होता है भाई तो बताओ, 8C3 कितना होता है, 8×7×6/6 कर दूं, 56 माइनस 4C1 माने 4×26 बोले तो 24, 56 में से 24 गया 32, तो आंसर 2P के साथ है, P=5, सही ना भाई, अच्छा हाँ। अब मेहनत की चीज क्या है, मेहनत ये है आपके लिए कि आपको मेरे को ये सोच के जवाब देना है कि मैंने वर्ड यूज करा छह में से कोई भी एक, हाँ है ना, छह में से कोई भी एक होगा या चार में से कोई एक होगा या दो में से कोई एक होगा, दो में से एक होगा, हाँ मेरे को बस यही सोचने का मौका चाहिए आपके साथ, दो में से एक, चार में से एक, छह में से एक, जो भी है आप मेरे को सोच के जवाब दे देना, ये चार में से, हाँ भाई क्या रहा फाइनली ये तो बता दो, दो में से एक, दो में से एक, तो यहां मैं 2C1 लिख दूं क्या,
आप सोच सही रहे हो, वैसे अच्छा सोच रहे हो आप। 2C1 से भी इसका आंसर है, लेकिन 2C1 के साथ फिर दूसरा 2C1 भी लगेगा। हाँ, 3 क्यों? टू सी वन इंटू थ्री, थ्री या 3C1? पक्की बात है क्या? हटा दू, आइडिया पूरा नहीं है। 2C1 इंटू 3 पक्का? 3 तो आप 3 प्लेन सोच रहे होगे ना, एक ये वाला प्लेन, माने एक तो ये वाला प्लेन और दूसरा, और दूसरा ये वाला प्लेन, दो प्लेन, और तीसरा, तीसरा कहां सोच रहे हो आप? एक तो इधर से इधर वाला, एक उधर से इधर वाला, अच्छा एक इधर से उधर वाला, चार हुए ना फिर तो। तीन ही हुए, फाइनल है तो तीन में तीन का आंसर ले लूं, ये ज्यादा बेहतर उत्तर है। वैसे इसका जब हमने पहली बार निकाला तो आंसर 2C1 करके भी निकाल लिया था हमने, आप यकीन नहीं करेंगे। हमने पता है, मेरे को याद नहीं आ रहा हमने क्या तरीका लगाया था, लेकिन हमने दो से दो में से एक, दो में से एक, दो में से एक चुनते चुनते भी आंसर बना दिया था। ठीक है, फिर फाइनली हमने इस पर फाइनली बात रोकी, लेकिन दो दो करके भी हमने सोच लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा वो तरीका, लेकिन करा था कुछ। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 24 का ए, जल्दी बोलो आप, 24 का ए उस बच्चे को तो जरूर कर लेना चाहिए। 24 क्वेश्चन जिसे ये पता है कि डब्बा ABC पैरेललोपाइप का वॉल्यूम होता है। इतना आसान क्वेश्चन IIT में आया, नोबडी कैन थिंक। आसान नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, आप इसे देख के भागे हो आप जबरदस्ती में। ठीक है, जैसे आप बोलो तो मैं कोई एक करके दिखा दूं या चलेगा आगे जाऊं? आगे चलें, चलिए साहब। क्वेश्चन नंबर 25 हुआ, कितने लोगों से हुआ और कितने से नहीं हुआ? किसी से हुआ क्या? हाँ साहब, बड़े ध्यान से समझने की चीज है ये। रेडी? वैसे सबसे भारी क्वेश्चन तो अपन ने ये वाला देखा ही। 25 XYZ तीनों अपने आप में रूट टू मैग्नीट्यूड के हैं। यहां तक बात बराबर है? तीनों के बीच का एंगल पाई बाई 3 है, ठीक है ना भाई? अच्छा, इसका सीधा सीधा मतलब जो जाता है वो आपके लिए पहले से बता दूं, X.Y, Y.Z और Z.X करता हूं तो ये अपने आप में, जैसे X.Y का मतलब मॉड X, माने √2 × √2 × cos pi by 3, सही है भाई? बोले तो 1 नहीं आया समझ में, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगले ने पहली लाइन देते ही ये वाली दूर तक तो बात बिखेर दी थी। आगे बोल रहा है कि A वेक्टर इज ए नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर टू X वेक्टर एंड Y क्रॉस Z, राइट है भाई? A वेक्टर अपने आप में कोई वेक्टर है जो कि X वेक्टर और Y क्रॉस Z दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो A वेक्टर X क्रॉस Y क्रॉस Z के पैरेलल खड़ा है, नहीं है? जैसे कोई मेरे को कहे कि कोई वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो मैं समझ जाऊंगा वो जरूर A क्रॉस B होगा, नहीं है? तो कोई वेक्टर अगर X वेक्टर और Y क्रॉस Z दोनों के परपेंडिकुलर है तो जरूर X क्रॉस Y क्रॉस Z ही होगा, नहीं आया? आपको बार बार अपने दिमाग में भरना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा आपको सिटिंग बेटा 3 घंटे 4 घंटे तू थाम के बैठ जा, ठीक है ना? तब जाके तेरे दिमाग में उतरना चालू करेगा। अब जिनको ये पता है वो जानते हैं, इट इज XZY वेक्टर माइनस में XYZ वेक्टर। सोच लिया आपने? XZ की वैल्यू 1 है, होगी है ना, और XY की वैल्यू भी 1 है, तो इट इज A वेक्टर इज इक्वल टू में इतना, सही है? तो आपके लिए A वेक्टर इज इक्वल टू Y माइनस Z, ऐसा ले लूं या कुछ और अभी भी इसमें कुछ करना बाकी है आपको? आप मेरे को सोच के जवाब दे दो आराम से, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सोच लिया आपने या हो गया? पक्की बात है क्या? चलता चलूं आगे? नहीं, हाँ इसके आगे नहीं। अरे ये बात अभी आपकी पूरी हुई नहीं है, अभी आप थोड़ा और दिमाग लगाओ, दोबारा से पढ़ो इस लाइन को। A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। A वेक्टर अपने आप में इसके और इसके परपेंडिकुलर है। अगर A वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो नहीं, आप समझो इसको, वापस से समझो। जैसे मान लीजिए आप इस बात को, तो वो इस IIT वाला घेरना चाहता है कि आप ये क्यों नहीं समझते हो।
अरे एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड का मतलब आप सही इतनी दूर तक गलत नहीं हो, लेकिन इसमें एक छोटी सी त्रुटि है साहब, उसको खत्म करो आप। एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड का मतलब होता है कोई वेक्टर एक्स वेक्टर और वाई क्रॉस जेड दोनों के परपेंडिकुलर है, ये है वो। अब ये वेक्टर अपने आप में होगा तो एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, लेकिन ए वेक्टर अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर इसके पैरेलल होगा, यही नहीं होगा? नहीं समझ में आया? हाँ, तो यही नहीं होगा, इसके पैरेलल होगा। अगर वो इसके पैरेलल हो जाता है एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड के, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर माना जाएगा, लेकिन होगा तो पैरेलल। वो जो पैरेलल वर्ड है ना, वो आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करा तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपने पैरेलल समझ लिया तो यहां पे आप समझ जाओगे के वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा 1 इतना या लैम्डा इनटू इतना, याद है ना, ए वेक्टर बराबर लैम्डा। हां, तो यहां एक लैम्डा और मिसिंग है साहब, ये लैम्डा मिसिंग है, और ये लैम्डा ही आपको दिलाएगा आंसर। अभी भी नहीं समझ में आया? अब जिनको ये बात समझ में आ गई कि ए वेक्टर बराबर में लैम्डा वाई माइनस जेड, अब वो फिर दिमाग लगाओ कि और ऐसी क्या चीज है जो अपन इस जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज जो शायद हम इसकी मल्टीप्लाई में लगा सकें। देखो अब आगे क्वेश्चन के अंदर कोई हिंट दिया हो, ए वेक्टर किसी के परपेंडिकुलर या किसी के पैरेलल या कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, कुछ दिया है क्या? क्या 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 आगे तो वो दूसरा वेक्टर बोल रहा है, बी वेक्टर इज समथिंग समथिंग, वो तो कुछ और बोल रहे हैं। ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो परपेंडिकुलर टू दिस एंड बी वेक्टर इज नॉन जीरो परपेंडिकुलर टू दिस। हाँ साहब, अब इसके साथ में हमारे पास में खेलने के लिए और कुछ नहीं है, और साथ में कुछ और हिंट जो दिया हो और तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन आंसर में देखा जाए तो ए वेक्टर बराबर है। सुना, ए वेक्टर बराबर में हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, या तो बॉम्बे या दिल्ली। बॉम्बे में ए डॉट वाई लगा है आगे, वाई माइनस जेड तक तो हम सुरक्षित हैं, और अगले में भी जेड माइनस वाई लिखा है। नहीं आया समझ में? तो बॉम्बे और दिल्ली में से वी आर क्लोज टू बॉम्बे राइट नाउ। अब ये और सोचो कि ए डॉट वाई अगर बाय द वे मेरा लैम्डा बन रहा है तो क्या करा जाए, मैं किससे क्या करूं कि प्रोडक्ट बन जाए, किसी को कुछ आइडिया बैठ रहा हो तो मजा आ जाए। डॉट वाई कर दूं पक्का? अच्छा, ए वेक्टर और वाई वेक्टर के बारे में मेरे पास में कोई हिंट है क्या? देखो मैं ये जानता हूं ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वेक्टर के, ये मेरे पास एक हिंट है। अच्छा, और ए वेक्टर वाई क्रॉस जेड इससे परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास एक हिंट है। मैं y क्रॉस z से नहीं कर सकता, x वेक्टर से करके दिखा दूं। अगर मैं x वेक्टर से करता हूं, एक मिनट तुक्का मार रहा हूं, a डॉट x, तो ये तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अच्छा, y के पैरेलल चला दूं, चला गया, चलो y से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। a वेक्टर डॉट y वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू मॉड y का स्क्वायर। मॉड y का स्क्वायर का मतलब हो गया मॉड y की वैल्यू 2 है, तो ये मॉड y की वैल्यू रूट 2 है, तो ये 2 हो गया साहब। माइनस ए वाई डॉट जेड, और वाई डॉट जेड इज इक्वल टू 1, तो ये फाइनली लैम्डा इनटू 2 माइनस 1 बोले तो ए डॉट वाई, तो लैम्डा बराबर ए डॉट वाई, और लैम्डा की वैल्यू वापस सेट हो गई। अभी भी नहीं आया? नहीं बेटा, और लैम्डा की वैल्यू वापस रख देना आप। अब आप में से कौन मेरे को बताएगा इस पूरी कहानी में पेचीदगी क्या थी? अगर आपने ए वेक्टर बराबर बिना लैम्डा माने खेल गए तो बाहर हो गए। वैसे हम बाहर नहीं हो गए, क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन में आपको y माइनस जेड दिख ही जाएगा, और देखते ही जो समझदार बच्चा है, क्योंकि इसने हल्की सी मेहनत करी उसको दिख जाएगा यार ये डॉट y कहां से आ गया, तो देर तक सोचने के बाद उसको स्ट्राइक कर जाएगा कोई लैम्डा है बीच में कहीं, है ना। अब b वेक्टर बिल्कुल सेम टू सेम है, उम्मीद आप कर लेंगे। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 26 हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो देख लो आप, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। हाँ साहब, क्वेश्चन वाला कह रहे हैं एबीसी 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है, इस तरह से कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ देम इज पाई बाय 3। अच्छा, तीनों यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 हो गया, बोले तो 1/2। नहीं है? पहली लाइन समझ में आ गई? आगे बोल रहे हैं, आगे ये बोलता है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू में पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर प्लस में आर डॉट सी, आर सी वेक्टर, और आर सी वेक्टर के आगे बोल रहा है वेयर पी क्यू आर स्केलर्स, तो ये वैल्यू पूछता फिर रहे हैं, है ना भाई। अच्छा,
हालांकि आप अगर बाय द वे कभी ढंग से कॉपी को पढ़ेंगे तो मैंने एक्सप्रेस दिस इनटू दिस ऐसे करके 3 क्वेश्चन कराए थे। उसके दौरान मेरी पूरी कोशिश थी कि आप इससे बराबर में लाने के लिए ये चीजें खुद सीख जाएं, कि आपको हर बार खुद सोचना पड़ता है कि मैं किससे डॉट प्रोडक्ट करूं। तो मैं ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करके दिखाता हूं। ए से करते ये जीरो, यहां डब्बा एबीसी आ गया, सोच लेना आप। सोच लिया? अच्छा, और डब्बा एबीसी के बारे में हमारे पास में कुछ है या नहीं दिया है? डब्बा एबीसी दिया है हमारे को, देखूं? नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब इधर आ जाओ, ए से देखा जाए तो पी इंटू मॉडे का स्क्वायर, सही है भाई? यूनिट वेक्टर है तो पी रख दूं, यूनिट वेक्टर है ना, तो पी प्लस में क्यू इंटू ए डॉट बी दैट इज हाफ, तो क्यू बाई टू प्लस में आर इंटू ए सी हाफ। सोच लिया? नहीं है। अब जिनको बी से डॉट प्रोडक्ट करना आता है वो बी से भी करो। बी से डॉट प्रोडक्ट करते ही जीरो, ये जीरो, तो जीरो बराबर में हो गया। बी से डॉट प्रोडक्ट करते पी बाई टू, और बी से डॉट प्रोडक्ट करते क्यू, और बी से डॉट प्रोडक्ट करते आर बाई टू। सोच लिया? नहीं सोच पाए। अच्छा, एक लास्ट और सी से भी कर दो डॉट प्रोडक्ट। सी से डॉट प्रोडक्ट करते इसकी वैल्यू डब्बा ए बी सी, सोच लेना। पास वाला तो जीरो हो गया। सी से डॉट प्रोडक्ट करते पी बाई टू, सी से डॉट प्रोडक्ट करते क्यू बाई टू, और इससे प्रोडक्ट करते आर। सही है भाई? अच्छा, अब मैं इन दोनों का आपस में घटा रहा हूं, घटा दूं? अगर मैंने इन दोनों का आपस में घटा दिया तो माइनस में डब्बा एबीसी कटिंग, यहां से रह गया पी बाई टू, सोचना, यहां से रह गया जीरो, सोच लिया, और यहां से रह गया घटते ही माइनस का आर बाई टू बराबर जीरो, तो पी बराबर आर आ गया। नहीं है? पी की वैल्यू आर के बराबर आ गई। मैंने मेरे को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कुछ दे रखा था, टर्म देखा था ना मैंने, क्या मांगा इसने, डिमांड क्या करी है? पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर का पता नहीं और आर स्क्वायर की जगह दोबारा पी स्क्वायर है, नहीं है? और नीचे की तरफ क्या दे रखा है, डिवाइड में क्यू स्क्वायर। अब बस अपने को क्यू और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे निकलेगा? ये मेरे को अचानक से आर दिखने लग गया, सॉरी ये पी है तो ये भी पी दिखने लग गया, नहीं है? तो पी बाई टू प्लस पी बाई टू पी, तो क्यू बराबर पी हो गया, नहीं है? तो क्यू बराबर माइनस पी होते ही यहां पे माइनस पी का स्क्वायर हो गया, और नीचे भी माइनस पी का स्क्वायर, होल स्क्वायर ना। क्या आंसर है देख लेना, हो जाएगा? नहीं आया अभी भी समझ में, कर सकते ना? चलो, डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर चार आ गया। नहीं, अब ये इतना ही क्वेश्चन था बेसिकली। अब जिन्होंने अभी ये करते हुए देखा उनको लगा होगा कि यार उतना मुश्किल नहीं था, ठीक है, इसीलिए मैं कर रहा हूं। मैंने ये समय जो आपका उधर से काट के इधर ले, मेरे पहले शुरू से प्लान कर रखा था कि यार आपको लास्ट में करानी पड़ेगी मेरे को शीट। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया? हाँ भाई, अब बड़े ध्यान से सुनना। 27 मेरे को अच्छे से पता है, आपने से कई लोगों ने शीट उठाई होगी तो भी वो शुरू के क्वेश्चन करके आए होंगे, बाद के क्वेश्चन नहीं करेगा वो, ठीक है। अब मैं फिर से समय ले रहा हूँ। पी क्यू आर अपने आप में ट्राइंगल है, पी क्यू आर अपने आप में ट्राइंगल है। लीजिए साहब, पी क्यू आर आ गया मार्केट में, क्यू आर की जगह पर ए वैक्टर है, और आर से पी की ओर, आर से पी की ओर बी वैक्टर है, और पी से क्यू की ओर सी वैक्टर है। तो पहली बात तो ये पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। सोच लिया आपने? जल्दी जल्दी सोच लेना, गलत तो नहीं हूं। अच्छा, आप में से कितने लोग ये भी सोच सकते हैं कि a प्लस सी का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर में माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर, बराबर है क्या? नहीं है। अरे a प्लस सी बराबर माइनस बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर प्लस में मॉड c का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट c। सोच लिया? इज इक्वल टू में मॉड b का स्क्वायर। और a b c के बारे में कुछ बोला अगले ने? बिल्कुल बोला है, इसकी जगह 12 144, सही है भाई? मॉड c का स्क्वायर नहीं दिया, पढ़े रहने दो। 2a डॉट c दिया है क्या? ए डॉट सी नहीं दिया, ए डॉट सी नहीं दिया, लेकिन क्या दे रखा है? बी डॉट सी दिया है। रुक जाओ, मैं उस पर आऊंगा। और यहां दे रखा है, ये अपने से सही है। अच्छा, और बराबर में मॉड बी का स्क्वायर, टू ए डॉट सी पढ़ा रहे दो, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना। इज इक्वल टू में यहां कितना दे रखा है, मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 48, सही है भाई? अपने को यहीं से ही सारे सॉल्यूशन निकालना, ध्यान रखना, यही हमारे सारे पास में रास्ते हैं। इसके सिवा एक और रास्ता दिखा देता हूं। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में मॉड सी का स्क्वायर, दैट इज मॉड ए का स्क्वायर प्लस में मॉड बी का स्क्वायर प्लस में कितना 2a डॉट b, वो फिर काम नहीं आएगा b डॉट c। तो b डॉट c लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर में माइनस a का स्क्वायर, इसका मतलब मॉड b का स्क्वायर प्लस मॉड c का स्क्वायर माइनस प्लस का 2bc बराबर में मॉड a का स्क्वायर, बराबर है? मॉड b का स्क्वायर दिया है, कितना दे रखा है 48 प्लस में मॉड सी का स्क्वायर नहीं पता, बी डॉट सी की वैल्यू 24 48 बराबर में मॉड ए का स्क्वायर 144, सही है भाई? तो ये हो गया 96। 48 त्रिज्या ही होता है शायद 144, 48 त्रिज्या,
48 3 144 होता है अगर मैं गलत नहीं हूं, होता है क्या? श्योर है? हाँ भाई, तो ये अगर देखा जाए तो मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 रह गया, तो मॉड सी बराबर में 4√3 आ गया, ये उठा के यहां रख दूं तो ये हो गया 144 प्लस के अंदर 48 प्लस के अंदर कितना 2 a डॉट c बराबर में कितना 48, ये दोनों तो उड़ गए, तो a डॉट c बराबर में माइनस का 72 हो गया साहब, सही है, ऑप्शन डी खुल गया। कौन सा खुला? कोई खुला ही नहीं, माइनस 72 तो a डॉट b है, ठीक है। अब a डॉट b के लिए भी तीसरे को उठाओ, a प्लस b बराबर माइनस c, नहीं आया वहां से फिर सोचना, ठीक है। अच्छा और क्या सोचा सकता है? मॉड सी की वैल्यू इतनी, अच्छा और पहला ऑप्शन कहता है मॉड सी का स्क्वायर बाई 2 माइनस में मॉड ए का बराबर 12, अब दिमाग लगाओ इसकी जगह पर कितना 48 बटा 2 24 माइनस इसकी वैल्यू 12 बराबर 12, पहला ऑप्शन सही है नहीं है, कर सकते थे ना, फिर से डूएबल क्वेश्चन था, माने अगर भाई जो छोड़ते हैं तो गलत करते हैं, उस पे बल्कि मेहनत करनी चाहिए। मान लो एक बार देख लिया, अब मैं खुद करूंगा, दो बार करूंगा, तीन बार करूंगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाऊंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 28 ए हो गया, हाँ या ना, जिनसे नहीं हुआ वो ए की जगह साइन एक्स, बी की जगह साइन वाई और सी की जगह साइन जेड लिख लें, ऊपर आप हिंट में लिख देना ए की जगह साइन ए, बी की जगह साइन बी और सी की जगह साइन जेड, फटाफट फटाफट पहले ऑप्शन के लिए बता रहा हूं मैं आपको, राइट है भाई, सॉल्व करते ही आपके पास में आंसर आ जाएगा लंबडा का, फिर लंबडा की वैल्यू डाल देना। हाँ साहब, इसका बी पार्ट हुआ, सी पार्ट? सी पार्ट नहीं हुआ, अच्छा और डी पार्ट तो वैसे ही नहीं कर सकते, एरिया, एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ, एरिया के लिए वही इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के चक्कर में जाना पड़ जाएगा यार, एनीवे सी पार्ट था, जो सी पार्ट इसका इतना जंगी है कि मतलब हमारे को खुद को ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते, ये तो कहां से ढूंढ लाते हैं साले मैथ्स का कॉलम में। ये देखो, ये कहता है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाला, बस जेड है ही नहीं, आर क्यूब का मतलब एक्स वाई जेड तीनों है, सही है। अच्छा आर स्क्वायर के अंदर माने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में तीन पॉइंट दिए हैं, पहले का नाम √3,1, ध्यान से देखो √3,1, बहुत ध्यान से देख दिखोगे तब दिखेगा √3,1, एक पॉइंट का नाम √3,1 ए, एक दूसरे पॉइंट का नाम 1,√3, 1,√3 और √3,1 में एक खास बात है कि दोनों के एक्स और वाई एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए हैं, एक्स और वाई इंटरचेंज तभी होते हैं जब मैं ओरिजिन से जोड़ू तो इनके बीच में से गुजरने वाली लाइन का नाम वाई इक्वल टू एक्स हो, ये दोनों एक दूसरे की वाई इक्वल टू एक्स में इमेज है, हाँ या ना, इसका तो वाई इक्वल टू एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन ओ एंड ओबी, अभी भी नहीं आया। अच्छा जिनको ये आ गया उनके लिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, कहानी में क्या है, लेट दिस आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो ये बेसिकली ओ एक्स है, ये ओ वाई है और ओ जेड कहीं है, ओ जेड का नाम है बीटा कॉमा 1 - बीटा, ठीक है ये ओ जेड है। अब क्वेश्चन में आता हूं, क्वेश्चन कहता है अगर जेड की डिस्टेंस ओ एक्स और ओ वाई के बाइसेक्टर से, ओ एक्स और ओ वाई का बाइसेक्टर कौन, वाई बराबर एक्स, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस इससे माने एक्स माइनस वाई बराबर जीरो से, किसकी डिस्टेंस, एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट बीटा कॉमा 1 - बीटा है, इसकी डिस्टेंस इस लाइन से कितनी होगी, बीटा माइनस 1 - बीटा, सोचो, अपॉन में √2, नहीं आया समझ में, याद है किसी को पॉइंट की डिस्टेंस किसी लाइन से कैसे निकालते हैं, ए एक्स वन, तो ए तो हो गया 1 × x1 बोले तो बीटा, बी बी की जगह पे -1 और इंटू दिस, तो -into this प्लस सी का मॉडुलस, अब आप चाहो तो मॉडुलस लगा लेना, बराबर में दे रखी है सरकार ने कितनी डिस्टेंस दे रखी है 3/√2, 3/√2 से √2 कट गया, क्या आप इसको सॉल्व करके 2β - 1 बराबर में √3 कर सकते हो कि नहीं सॉल्व, अब ये हो जाएगा 2β - 1 का मॉडुलस बराबर में 3, इसका मतलब 2β - 1 बराबर में 3 या 2β - 1 बराबर -3, क्या बीटा की दो वैल्यू आगे कि नहीं आगे, बस क्वेश्चन डन, ये खुद ही मॉड बीटा मांग रहा है, आगे कहानी पकड़ में आ गई है ना, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 29, अरे पहली बात क्वेश्चन नंबर 29 हुआ या बिल्कुल छोड़ रखा है, सुनना, हाँ चलेगा, मैं अभी इसमें जितनी मेहनत कर सकता हूँ कर रहा हूँ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक एक लाइन पकड़नी है आपको, पहली बात कहानी में आर क्यूब है, कितने लोग अब समझने लग गए आर क्यूब कौन, एक्स वाई जेड, अब एक वेक्टर दे रखा है यू वेक्टर जिसका नाम है U1 i कैप, U2 j कैप प्लस में U3 k कैप दे रखा है,
आपके लिए यू वेक्टर आ गया, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब मॉड यू बराबर वन है। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? नहीं आया, आगे अगली लाइन को पकड़ते जाओ। अगली लाइन क्या कहता है? और एक W वेक्टर है जिसका नाम है 1 बाई अंडर रूट 6 ब्रैकेट के अंदर i कैप प्लस j कैप प्लस में 2k कैप। मैं आपसे एक जल्दी से एक राय जानना चाहता हूं कि ये जो W कैप दिया है इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये इसका मॉडुलस 1 है, तो जरूरत पड़ने पे ये भी 1 के काम आएगा। आगे बढ़ते जाओ। कहता है कि गिवन दैट देयर एग्जिस्ट अ वी वेक्टर, एक और वेक्टर भी है जिसका नाम वी वेक्टर है, वो इस तरह से है कि मॉड यू क्रॉस वी बराबर 1 है। क्या आपको ये बात समझ में आई? मॉड यू क्रॉस वी बराबर 1 है, होगा। आगे बढ़ो, आगे अगली लाइन के अंदर कहता है और साथ में डब्लू कैप डॉट यू यू क्रॉस वी बराबर में भी 1 है। अब मेरे लिए यहां पे जरूरत की चीज इकट्ठी हुई। डब्लू कैप डॉट यू क्रॉस वी बराबर 1 का मतलब समझा दूं। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मतलब होता है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का मतलब मॉड ए मॉड बी, तो मॉड ए दिख गया, मॉड बी देख लिया, इंटो में कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कॉस अल्फा मान लू बराबर 1 है। अभी भी नहीं आया, जिनको ये याद है उनको पता होगा इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1 माने अल्फा बराबर 0। अल्फा का वैल्यू 0 आने का मतलब ये है कि डब्लू वेक्टर डब्लू कैप इज पैरेलल टू यू क्रॉस वी। श्योर है भाई? ये अपने आप में दोनों पैरेलल है, इतनी दूर तक तो पकड़ में आ ही गया होगा। अच्छा, और वी वेक्टर के बारे में उसने कोई यूनिट वेक्टर बता देगा? नहीं, एग्जिस्ट वेक्टर, बस इतना ही बोला। अब क्वेश्चन आगे सुनते जाओ। आगे बोलता है, अब ऑप्शन में चलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन कहता है कि देयर एग्जिस्ट वन चॉइस फॉर वी वेक्टर। दुनिया में वी वेक्टर के नाम का एक ही वेक्टर है, दुनिया में वी वेक्टर के नाम का एक ही वेक्टर है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं, अभी कुछ पकड़ में नहीं आया। और अगला बी ऑप्शन कहता है कि वहां पर देयर आर इनफाइनिटली मेनी चॉइसेस फॉर सच वी वेक्टर। हाँ भाई, वी वेक्टर को लेकर के इन्फाइनाइट चॉइस है। अब ये कैसे सोचा जाए मेरे को पकड़ में नहीं आया, आप बताओ अगर कुछ किसी के पास में है तो। कोई आइडिया? नहीं। तब तक मैं आपके लिए कुछ छोटा छोटा काम करता रहता हूँ मैं, क्योंकि खाली नहीं रुकना चाहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब वन होने का मतलब भी समझाता हूँ। इसका मतलब होता है मॉड यू मॉड वी साइन थीटा बराबर 1 है। इसकी वैल्यू 1 है, तो मॉड वी साइन थीटा बराबर 1 है, सही ना भाई? अच्छा हाँ, तब तक अपन वापिस आते हैं कि ये इससे मार को बता कि W इन दोनों के पैरेलल है। अच्छा, W अगर इसके पैरेलल है तो ये बात तो बाकी है कि W जो है U क्रॉस V ऐसा होता होगा साहब, ये यहाँ U होता होगा और यहाँ V होता होगा और इनके परपेंडिकुलर U क्रॉस V होता होगा, सही है? तो W इसके पैरेलल है, एक बार के लिए W AC को मान लेता हूँ, W AC को मान लेता हूँ। तो W अपने आप में V वेक्टर के परपेंडिकुलर है। W अगर V वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर कितनी चॉइसेस खुलती हैं? इनफाइनाइट, तो बी ऑप्शन खुल गया। नहीं आया समझ में? इसका मतलब यह कि V के नाम के इनफाइनाइट चॉइसेस हो सकती हैं, जिनके लिए मॉड V साइन थीटा बराबर 1 हो सकता है। भगवान जाने कितनी हो सकती है, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 बाई V इनफाइनाइट चॉइसेस हो सकती हैं। नहीं आया समझ में? अरे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चिल्लरबाजी की बात करी। अब आगे की बात सुनो। अगला ऑप्शन क्या कहता है? सी ऑप्शन कहता है कि W कैप लाइज इन द XY प्लेन देन मॉड U बराबर में मॉड U1 बराबर मॉड U2। हाँ साहब, अब ये दिमाग लगाते हैं। क्या बोला? कहता है कि U वेक्टर लाइज इन द XY प्लेन, U वेक्टर लाइज इन द XY प्लेन देन मॉड U1 बराबर में कितना? अच्छा, अगर U वेक्टर XY प्लेन में लाई करेगा तो इसका k कैप नहीं होगा। हाँ के ना, अगर U वेक्टर XY प्लेन में लाई करेगा तो इसका k कैप नहीं होगा। लेकिन अगर ये कहीं भी लाई करता है, W कैप और U वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, हो गए ही ना? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो W कैप डॉट U वेक्टर बराबर 0 होगा। हाँ या ना? अच्छा, और सोचते हैं W डॉट U बराबर 0 होने का क्या क्या मतलब हो सकता है। अब यहां से अपने को U1 और U2 तक जाना है, कैसे जाएंगे? ऑप्शन में हमारे को दे रखा है मॉड U1 बराबर मॉड U2, और अगले ऑप्शन में दे रखा है 2 मॉड U1 बराबर में मॉड U3। अब ये कैसे लाएंगे भाई? दिमाग लगाओ आप,
क्वेश्चन के अंदर इनका डॉट पर कर दूं, W डॉट U, W डॉट U का मतलब हो जाएगा, W है हमारे पास शायद, ये रहा W, सही है, इसका और इसका डॉट पर कर दूं, इसका मतलब हो गया दुनिया की नजरों में U1 डिवाइड बाई अंडर रूट 6, और इधर से देखा जाए प्लस में U2 डिवाइड बाई अंडर रूट 6, और उधर तो कुछ है ही नहीं तो जीरो, और ये इक्वल टू जीरो, तो U1 बराबर माइनस U2, इसका मतलब मॉड U1 बराबर, अरे ये तो बैठ गया यार, नहीं है, D बैठ गया क्या, अगला D बैठा क्या, C के बाद D बैठा कि नहीं बैठा, D बैठा क्या, नहीं बैठेगा ना, हाँ तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 30, किया या नहीं किया, अरे आपने किया या नहीं किया ये बताओ, देखो आप जरा ध्यान से देखना, मैं आपके सामने पहली लाइन लिखता हूं, देखो जो गिवन है आपको दिख रहा है OP डॉट OQ, मुझे दिख रहा है P डॉट Q, प्लस आपको दिख रहा है OR डॉट OS, मेरे को दिख रहा है R डॉट S, इज इक्वल टू में दे रखा है R डॉट P, प्लस अगले में दे रखा है Q डॉट S, सही है, इज इक्वल टू में दे रखा है Q डॉट R, प्लस में दे रखा है P डॉट S। अब रुको जरा, किन्हीं भी दो को पकड़ो आप, किन्हीं भी दो को पकड़िए, मैं मान लो इन दो से बात चला रहा हूं, रेडी, अगर मैं इन दो से बात कर रहा हूं तो मैं सबको उधर लेके जाता हूं, जैसे ही मैं सबको उधर लेके जाऊंगा Q कॉमन आ जाएगा और अंदर ही अंदर बचेगा P माइनस S, सोच लिया, अच्छा ये जिस दिन उधर जाएगा तो माइनस की वजह से R कॉमन आ जाएगा और बचेगा S माइनस P बराबर जीरो, तो आप में से शायद कई लोग P माइनस S फाइनली कॉमन ले लेंगे और यहां बताएंगे Q माइनस R बराबर जीरो, इसका मतलब आप में से कितने लोग समझ गए कि SP वेक्टर और RQ वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ये तो जब मैंने इन दो से खेला, फिर मैं इन दो से खेलूंगा तो क्या मेरे पास एक और सेट आएगा परपेंडिकुलर का, फिर इन दो से खेलूंगा तो मेरे पास तीन सेट आ जाएंगे परपेंडिकुलर वेक्टर के, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बस आपको वो तीन सेट निकालना है, जिस दिन आप तीन सेट निकाल लोगे आपके पास में सारे आंसर आ जाएंगे लाइन के अंदर, निकाल सकते हैं आप, बन जाएगा, अच्छा दूसरी बात और एक और बात बताता हूँ, बन जाएगा ना भाई, अच्छा ये तीन परपेंडिकुलर आने का मतलब ये सर्कम सेंटर होगा, इन सेंटर होगा, सेंट्रोइड होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, आपको दिखने तो लगी है ना, SP बराबर RQ है तो फाइनली कुछ ना कुछ तो बनाएगा बनाएगा, ऑर्थो सेंटर ही बेस्ट है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 31, पी प्लस क्यू की जगह माइनस आर कर लेना, क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर जीरो है और क्यू प्लस आर की जगह माइनस पी, फाइनली आपको पता चलेगा माइनस बार आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ना। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, ये मैंने आपके 20 से लेके 32 तक के क्वेश्चन नक्की करे, ठीक है,